माय नेम इज आरजू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। आज हम हमारे भारत पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वयं का स्वरूप होता है। भगवान शिव ऐसे स्थानों पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए थे और वहीं पे एक ज्योति के रूप में समा गए थे। आज भी माना जाता है कि भगवान शिव ऐसे स्थानों पर स्वयं विराजमान है। भारत में ऐसे कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। उन ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनने जा रहे हैं कि हर ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुआ और कहां पर उत्पन्न हुआ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इस मंदिर का संबंध चंद्रदेव से ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने ही करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी हुई कहानी इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे। इनका विवाह राजा दक्ष के 27 पुत्रियों के साथ में हुआ था और राजा दक्ष ने चंद्रदेव से प्रतिज्ञा ली थी कि वो उनकी 27 पुत्रियों को एक समान ही रखेंगे, पर चंद्रदेव उनकी एक पुत्री रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे और अपना सारा समय उसी के साथ में व्यतीत करते थे। ये देख करके बाकी सारी पुत्रियाँ क्रोधित हुई और अपने पिता के पास में गई और उन्हें सब कुछ बताने लग गई। तभी पिता ने क्रोधित होकर के चंद्रमा को श्राप दे दिया कि उनकी चमक धीरे धीरे घटती जाएगी। इससे चिंतित होकर के चंद्रदेव भगवान शिव की आराधना करने लग गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें कहने लग गए कि वह राजा दक्ष के श्राप को हटा नहीं सकते, परंतु वे उस श्राप को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जिससे आज से 15 दिन तक शुक्ल पक्ष में उनकी रोशनी बढ़ेगी और कृष्ण पक्ष में कम हो जाएगी। वैसे ही पूर्णिमा के दिन वो प्रकाशमान रहेंगे और अमावस्या के दिन वो दिखाई नहीं देंगे। पर चंद्रदेव अपने घटते बढ़ते स्वरूप से काफ़ी चिंतित थे। चंद्रमा को सांत्वना देने के लिए भगवान शिव ने उनके अभिशाप स्वरूप अर्चंद्र रूप को अपने सिर पर धारण कर लिया, जिसके बाद से शिव जी चंद्रशेखर नाम से जाने जाने लगे और यहाँ प्रकट होने के बाद में यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ नाम से जाना जाने लगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में सिरिसेलम नामक जगह में कृष्णा नदी के पास में स्थित है। इसे साउथ का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता के अनुसार शिव भगवान और माता पार्वती को अपने पुत्रों का विवाह करवाना था, लेकिन पहले विवाह किसका करवाया जाए। तभी शिव जी ने सुझाव दिया कि दोनों पुत्रों को ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है और जो पहले लगा करके आएगा उसी का विवाह किया जाएगा। ये सुन करके कार्तिकेय भगवान अपने मोर को लेकर के निकल गए थे और गणेश भगवान ने अपने माता पिता को ही ब्रह्मांड समझ के उनके चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। इसी बात से प्रसन्न होकर के भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया था। अपने कर्मों की पालना करके लौटते हुए भगवान कार्तिकेय को जब ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर के कैलाश छोड़ के क्रौंच पर्वत पर चले गए थे। फिर माता पिता के द्वारा अत्यधिक बुलाए जाने के बाद भी वे पुनः कैलाश पर नहीं लौटे थे, तो माता पिता ने अपने पुत्र से मिलने की ठानी और वो वहीं पहुंच गए और यह बात सुनकर के कार्तिकेय भगवान वहां से भी निकल गए। माता पिता जिस स्थान पर पहुंचे थे उसका नाम श्रीसेलम था। उन्होंने अपने पुत्र की याद में वहीं एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी जिसका नाम मल्लिकार्जुन था। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव जी। माना जाता है कि आज भी पूर्णिमा के दिन माता पार्वती और अमावस्या के दिन शिव जी यहीं अपने पुत्र से मिलने आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन के लोग महाकाल को यहाँ का राजा मानते हैं और ऐसा माना जाता है यहाँ इनके अलावा कोई राजा नहीं हो सकता।
उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता था और ये उन प्राचीन शहरों में से था जहाँ पे छात्र पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया करते थे। उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो जब भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे थे तो गांव के एक लड़के शेखर ने भी उनके साथ प्रार्थना करने की इच्छा जताई। उसे प्रार्थना तो नहीं करने दी बल्कि गाँव से बाहर निकाल दिया गया। तभी उसी समय कुछ बाहरी राजा जो कि उज्जैन को लूटना चाहते थे, उन्होंने भी उज्जैन को लूटने का सोचा। ये सुन करके शेखर ने भगवान शिव से तपस्या करनी शुरू कर दी और वहीं वृद्धि ऋषि ने भी अपने पुत्रों को लगा करके भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। तभी उज्जैन में आक्रमण हुआ और पूरी तरह से तहस नहस फैला दी गई। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने महाकाल का रूप धारण किया और अपने सारे भक्तों की रक्षा की। तभी वृद्धि और शिखर के अनुरोध किए जाने के बाद में भगवान शिव तब से लेकर के आज तक महाकाल के रूप में उज्जैन मंदिर में स्थित है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ हर सुबह 4 बजे भगवान शिव भस्म आरती की जाती है जो कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश में महाकाल बाबा के अलावा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ये इंदौर के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है जो कि नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है और ये ओमकार के द्वीप में स्थित है। ओमकारेश्वर नाम से पता चलता है कि ये ओम ध्वनि के स्वामी हैं। ऐसा माना जाता है कि नारद के प्रभाव से विंध्याचल पर्वत को नियंत्रित रखने वाले विंध्या को मेरु पर्वत से ईर्ष्या हो गई थी, जिसके लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान में वह अपने आप को और अधिक विशाल बनाना चाहता था। भगवान शिव ने उसे इस शर्त पर वरदान दिया कि यहाँ आने वाले यात्रियों को कोई कष्ट नहीं होगा। तब भगवान शिव ने अपने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ पे की। इसके साथ ही एक और कहानी भी सामने आती है कि राजा मानधाता ने भी भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, जिसे मानधाता या फिर ओमकारेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। झारखंड के देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बाबा बैद्यनाथ धाम है। इसे सिद्ध पीठ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। इसके साथ ही इसे कामना लिंग नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे ही रावण ने भगवान की तपस्या की थी और अपने 9 सिरों का बलिदान दिया था। जब वे अपने 10वें सिर का बलिदान देने ही वाले थे तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और उनसे पूछने लग गए कि वे क्या चाहते हैं। रावण ने कामना लिंग को लंका द्वीप पे ले जाने की बात कही, साथ ही भगवान शिव को भी कैलाश से लंका में ले जाने की बात कही। तो भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, परंतु एक शर्त पर। भगवान शिव ने उन्हें कहा कि यदि यह लिंग धरती पे 1 मिनट के लिए भी रखा गया तो वह देवताओं का स्थान बन जाएगा और फिर तुम उसे कभी नहीं ले जा पाओगे। भगवान शिव के लंका में स्थापित हो जाने की खबर सुन करके सभी चिंतित हुए। तभी भगवान विष्णु ने जल के देवता वरुण देव को बुला करके रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा। रावण कामना लिंग को लेकर के लंका की तरफ प्रस्थान करने ही जा रहा था, तभी भगवान वरुण की कृपा से रावण को मूत्र त्याग का आभास हुआ। तभी भगवान विष्णु ने ग्वाले का रूप धारण किया और रावण ने उस ग्वाले को अपना शिवलिंग पकड़ा दिया। लेकिन वरुण देवता की उपस्थिति के कारण रावण को खुद को राहत देने में काफ़ी समय लग गया और तब तक ग्वाले ने शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया और वहाँ से भाग गया। तभी रावण आया तो उसने उस शिवलिंग को उठाने का पूरा प्रयास किया लेकिन वो उससे टस से मस नहीं हुआ। तभी रावण को पता चल गया ये ज़रूर विष्णु भगवान ने किया है, तो उसने उस शिवलिंग पे अपना अंगूठा दबा दिया जिसके कारण शिवलिंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। तभी से इस शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा विष्णु द्वारा की जाने लग गई और इसे बैद्यनाथ शिवलिंग के रूप में जाना जाने लगा और यह एक कामना लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री हिल्स पर है।
यहीं से ही भीमा नदी भी उत्पन्न होती है। यहाँ हर किसी को गर्भगृह में प्रवेश करने और ज्योतिर्लिंग को छूने की अनुमति है। माना जाता है कि सह्याद्री हिल्स के दक्षिणी भाग में भीमा नाम का एक असुर अपनी माता कर्कटी के साथ में रहता था, और यह भी माना जाता है कि यह भीमा कुंभकर्ण का ही पुत्र था। जब इसे पता चला कि भगवान राम ने, जो कि विष्णु के अवतार है, उनके पिता का वध कर दिया, तब वह उनसे बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या में लग गया। भगवान ब्रह्मा की तपस्या के कारण उसे वरदान के रूप में खूब ताकत प्राप्त हुई, और जिससे उसने पूरी धरती पे तहस नहस कर दिया। और भगवान शिव के परम भक्त कामरूपेश को कैद कर लिया और मांग की कि वो भगवान शिव को छोड़ के उसकी उपासना करे। लेकिन जब कामरूपेश ने मना कर दिया तो भीम ने अपनी तलवार उठाई, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और उसे भस्म कर दिया। ये वही स्थान है और माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और आज यहाँ एक शिव जिसे भीमा शंकर नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथ क्षेत्र में है, और ऐसा माना जाता है कि ये विश्व के पुराने ज्योतिर्लिंगों में से एक है, क्योंकि यह रामायण काल का ज्योतिर्लिंग जिसे स्वयं भगवान राम ने रावण को मारने के पश्चात ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव की उपासना करने के लिए स्वयं स्थापित किया था। और कहा यह भी जाता है कि आज के समय में रामेश्वरम मंदिर में जो 24 कुंड है, उसे भी भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने तीर से बनाया था। यहाँ बने हुए 1000 फीट लंबे और 650 फीट चौड़े गलियारे को विश्व का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है, जो कि 1212 स्तंभों पर स्थापित है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ में यहाँ पे एक लिंगम स्थापित किया था, क्योंकि रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो उन्होंने हनुमान को हिमालय पर जाकर के ज्योतिर्लिंग लाने को कहा। क्योंकि लिंगम को लाने में अधिक समय लग गया, तो माता सीता ने पास के समुद्र में से मिट्टी लेकर के उससे ही शिवलिंग की स्थापना करी, तो उसे आज भी रामेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है, जिसकी पुष्टि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई मूल रामायण के अंदर पूर्ण रूप से की गई है। गुजरात में सोमनाथ बाबा के अलावा एक और ज्योतिर्लिंग भी है, जिसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दारुका नामक एक राक्षसनी थी, जो कि माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। परिणाम स्वरूप माता पार्वती ने उन्हें जंगल पे कब्जा करने में सक्षम बनाया था, और उसके सम्मान में जंगल का नाम दारुका वन रखा। दारुका जहाँ जहाँ जाती, जंगल भी उसके पीछे पीछे चलता। जंगल के राक्षसों को देवताओं से बचाने के लिए दारुका ने अपनी सारी शक्तियां एकजुट कर ली थी, जो कि उसने माता पार्वती से प्राप्त की थी। वे सब साधुओं का अपहरण करते थे और समुद्र के नीचे अपने नए घर में उन्हें कैद करके रखते थे। तभी वहां एक शिव परम भक्त सुप्रियो भी आ गया था। उसने एक अलग ही परचम लहराया, वहां शिव जी की स्थापना की और सारे के सारे साधुओं को बाहर निकाल करके उन्हें ओम नमः शिवाय के जाप को किए जाने के बारे में बताया। ये सब देख करके वहां पे राक्षस क्रोधित हो गए, और जैसे ही उसको मारने लगे, तभी भगवान शिव वहां पे प्रकट हो गए और सारे राक्षसों का नाश कर दिया। तभी सुप्रियो और बाकी साधुओं के अनुरोध किए जाने के पश्चात भगवान शिव वहीं बस गए, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश के बनारस में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। बनारस, जिसे दुनिया की पुरानी नगरी भी माना जाता है, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। बनारस, जिसे दुनिया में सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, इसे बनारस, काशी या वाराणसी नाम से भी जाना जाता है, और ये जगह कई पुराने मंदिरों का घर है। इसके साथ ही बनारस को ऐसी जगह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेद और योग के परम गुरु पतंजलि निवास करते थे। और ये एक बौद्ध शहर के रूप में भी विकसित है, क्योंकि माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। यहाँ गंगा नदी के किनारे कई सारे घाट हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर यह है कि यह एक शिव नगरी है।
ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव चाहेंगे तो ही यहाँ भक्त आ सकते हैं, क्योंकि यह जीवन और मृत्यु से परे मोक्ष को प्राप्त करने का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यह एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि पृथ्वी को तोड़ करके आकाश तक चमका था। और ऐसा करके इसने बाकी देवताओं में अपना वर्चस्व स्थापित किया। मंदिर में साथ में ही एक शक्तिपीठ भी स्थापित है। इस मंदिर में शिव को विश्वेश्वरया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में अपनी सर्वोच्चता को लेकर के बहस शुरू हो गई थी, और उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव वहीं पर एक अंतहीन ज्योति के रूप में प्रकट हुए, यह साबित करने के लिए कि कौन सर्वोपरि है। तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और ज्योति के नीचे की तरफ गए, और भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ज्योति के ऊपर की ओर गए। दोनों ने प्रकाशमान ज्योति का अंत ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन किसी को भी अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ ही आकर के कह दिया कि मुझे इसका अंत मिल चुका है। तभी उस समय भगवान विष्णु भी वराह का रूप धारण किए हुए भगवान शिव के पास आ गए और बता दिया कि मुझे इस ज्योति का अंत नहीं मिला। तभी भगवान शिव ने ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित होकर के उनका एक सर काट लिया और उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी धरती पर कभी पूजा नहीं की जाएगी। और उन्होंने भगवान विष्णु को ईमानदारी के कारण उनके स्वयं के मंदिरों में भी भगवान विष्णु को शिव के समान पूजा जाएगा का आशीर्वाद दिया। और जिस जगह ये प्रकाश का स्तंभ बना वहीं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बना। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास है, और ब्रह्मगिरी पर्वत जहाँ से गोदावरी नदी उत्पन्न होती है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यहाँ पे बने हुए तीन लिंग है, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और शिवजी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की इसी पर्वत पर तपस्या की, तभी से इस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी पर्वत पड़ गया। इसी पर्वत पर एक आश्रम हुआ करता था जहां महान ऋषि गौतम रहते थे। एक बार वहां सूखा पड़ गया था तो सभी लोगों के साथ जीव जंतु भी वहां से चले गए थे। तभी गौतम ऋषि ने जल के देवता वरुण देव से प्रार्थना करी। तभी भगवान वरुण देव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें एक ऐसा कुंड प्रदान किया जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता था। गौतम ऋषि ने उस कुंड का प्रयोग सभी के कल्याण के लिए किया, जिसके कारण उनका प्रचार प्रसार पूरी एरिया में फैलने लगा। लेकिन ये जब बात बाकी गुरुओं को पता चली तो उन्होंने उनसे ईर्ष्या जताते हुए हवन और यज्ञ करना शुरू कर दिया और भगवान गणेश से वरदान पाने की इच्छा जाहिर की। और जैसे ही भगवान गणेश प्रकट हुए तो सभी ऋषियों ने उनसे गौतम ऋषि को नीचा दिखाने की इच्छा प्रकट करी। गणेश जी ने सभी ऋषियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो गणेश जी ने एक कमजोर गाय का रूप धारण किया और ऋषि गौतम के आश्रम में पहुंचे। गाय की ऐसी हालत देखते हुए ऋषि गौतम ने उन्हें कुछ चारा प्रदान किया, जिसे खा करके गाय मर गई। ये देख करके पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पे गौ हत्या का पाप लगा दिया। गौ हत्या के पाप से बचने के लिए गौतम ऋषि इसी पर्वत पे बैठ करके भगवान शिव की उपासना करने लगे, जिससे भगवान शिव प्रकट हुए और ऋषि से पूछने लगे कि वे क्या चाहते हैं। तो ऋषि ने बोला कि वे गंगा के जल में स्नान करके अपने गौ हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं। तभी भगवान शिव ने वहीं पे गंगा उत्पन्न कर दी, लेकिन गंगा मैया का पानी कभी घटता कभी बढ़ता, क्योंकि वो वहाँ अकेले नहीं रहना चाहती थी। तभी गंगा मैया ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वो भी उनके साथ यहाँ आकर के रहें। तभी भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में इसी स्थान पर स्थित हो गए, जिसे त्र्यंबकेश्वर महादेव नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर हिमालय श्रृंखलाओं पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अत्यधिक सर्दी होने के कारण 6 महीने के लिए मंदिर बंद रहता है और 6 महीने के लिए मंदिर खुला रहता है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन इस मंदिर की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पांडव भाई अपने कौरव भाइयों की मृत्यु के पश्चात अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो गुप्तेश्वर में छुप गए थे, जहाँ पे आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पांडवों और द्रौपदी ने गुप्त काशी में एक अनोखे से बैल को देखा, जिसे देख करके भीम समझ गया कि ये शिव जी जो कि नंदी के रूप में उन सबसे छुप रहे थे। तभी भीम ने भगवान शिव को पकड़ने के लिए उस बैल को पकड़ा और बैल ने अपने आप को धरती के अंदर डालना शुरू कर दिया, लेकिन भीम और सब भाइयों ने मिल करके बैल के पैर पकड़े ताकि वो उसे बाहर निकाल सके, पर बैल अंदर जाता ही गया। तभी इस स्थान पर बैल का ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, जो कि केदारनाथ के त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। वे अन्य भाग कई अन्य स्थानों पर निकले, जिसे आज पंच केदार नाम से जाना जाता है, और वहां पे पांडवों ने मंदिर बनाए और भगवान शिव की पूजा की। तभी भगवान शिव ने वादा किया कि वो यहीं पर त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेंगे। तभी से ये मंदिर भक्तों के बीच में बहुत लोकप्रिय हो गया। ये मंदिर इतना चमत्कारी है कि इतने बाढ़ में भी इसे कभी कुछ नहीं हुआ। 2013 के बाढ़ में भी एक विशालकाय शिला यहाँ पर आई, मंदिर के पीछे के पानी को दो भागों में बांट दिया, जिससे मंदिर को कुछ नहीं हुआ। आज इस शिला को भीम शिला नाम से जाना जाता है और भक्त इसकी पूजा भी करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है एलोरा केव्स, और इन्हीं एलोरा केव्स के पास में है घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। इससे जुड़ी कहानी इस प्रकार है। एक ब्राह्मण सुधर्मा अपनी पत्नी सुदया के साथ में देवगिरी पहाड़ियों पर रहते थे। उसकी पत्नी निसंतान थी। संतान की चाह में उसने अपने पति का विवाह अपनी बहन गुष्मा से करवा दिया था। गुष्मा भगवान शिव की भक्त थी और प्रतिदिन 101 शिवलिंग की पूजा करती और उन्हें जल में प्रवाहित कर देती थी। कुछ समय बाद गुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। समय के साथ सुदया को अपनी ही बहन व उसके पुत्र से ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसने उसके पुत्र को उठाया और उसी जल में प्रवाहित कर दिया, जहाँ पे गुष्मा शिव जी की पूजा किया करती थी। लेकिन गुष्मा अपने भगवान पे पूरा भरोसा रखती थी और उसने हर दिन की तरह अपने भगवान की पूजा करी, और जब वो शिवलिंग को लेकर के प्रवाहित करने जा रही थी, तभी उसने देखा कि सामने से उसका पुत्र आ रहा है, उसे उठाया। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और भगवान शिव ने गुष्मा को उसकी बहन के द्वारा किए हुए कार्य के बारे में बताया, तो गुष्मा ने भगवान शिव को उसकी बहन को माफ़ करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव को साथ में ही उसी जगह पे बस जाने के लिए आग्रह किया। तभी भगवान शिव यहाँ पे घृष्णेश्वर महादेव के रूप में बस गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड ये कहानियाँ कैसी लगी और ये वीडियो कैसा लगा।